प्रगतिशील समाज पार्टी लोहिया की ओर से बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर अल्लापुर सब्जी मंडी के निकट धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रगतिशील समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के अविनाश चौधरी गोलू ने की। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती महंगाई तथा अपराध बेलगाम हो गया है। उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल महोदय को अपना ज्ञापन दिया। प्रदर्शन स्थल पर कोरोना वायरस को लेकर सभी गाइडलाइन का पालन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजाद सोनकर, आकाश सोनकर, अमन सोनकर, रविंदर, ऋषि केसरवानी, ऋषभ कुमार मिश्र आदि लोग सम्मिलित रहे। यही भाजपा सरकार गिराने की बात करती थी। आज जब इनके सरकार में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो ये अपनी सरकार का क्या करना चाहेंगे? मैं जवाब मांगता हूँ इनसे। और जो इन्होंने उज्ज्वला योजना में गैस चूल्हा बांटने का काम किया, क्या सरकार अब ये नहीं सोच रही कि वही गरीब जनता गैस चूल्हा भराने का काम कैसे करे? और हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित लेबर द्वारा अल्लापुर में एकत्रित होकर देश और प्रदेश सरकार को धरना दिया गया और जल्द से जल्द महंगाई पर रोक लगाई जाए। यदि महंगाई और रोक नहीं लगाएंगे तो हम कलर को करने का काम करेंगे।